ये तकरीबन 35 ईयर्स तो मेरे रेगुलर हो गए। कोई बच्चा टीबी का मरीज है, कोई खांस रहा है, किसी को नज़र नहीं आ रहा है, किसी की इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी है उसके अंदर फूड की, तो ये सब चीज़ें ऐसी होती ना कि मैं खुद परेशान हो जाती थी, मैं कैसे पढ़ूँ इनको, मैं कैसे पढ़ाऊँ। पहले उनके प्रॉब्लम छोटे छोटे, मेरी कुछ जान पहचान भी थी, पढ़ी लिखी भी थी, वो छोटे छोटे प्रॉब्लम उनके सॉल्व करने शुरू किए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पढ़ाई का सफ़र शुरू हुआ, बस वहाँ से फिर वो थोड़ा खाना, ज़्यादा खाना और ज़्यादा खाना। मुझे सिर्फ और सिर्फ हमेशा ये सोच रही कि मैं अपने हिस्से का, मैं क्या अपने मुल्क को, अपने लोगों को मैं क्या दे सकती हूँ। ये तो बहुत आसान है कि मैं 4-5 हज़ार की एक देख लूँ, तकसीम कर दूँ। मैं तो एक मिशन पे काम कर रही हूँ कि मतलब माहौल से बीमारियाँ ख़त्म हों, लोगों में शऊर पैदा हो, एहसास पैदा हो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के बारे में सोचें, बच्चे तालीम की तरफ आए, हेल्दी फूड होगा वो ऑटोमेटिकली वो उनकी सोच पॉजिटिव होगी। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम V2 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट इमशा आवान। नाज़रीन, इंसान खिदमत खलक करके वो मुकाम पा लेता है जो रातों को उठ के इबादत करके भी नहीं पा सकता, और इनकी जीती जागती मिसाल आज मेरे साथ V2 में मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इंसानियत के खिदमत करके जो है वक्फ कर दी। डिफरेंट टीवी चैनल्स पे आपने उनको देखा तो होगा, इंटरव्यू भी सुना होगा, लेकिन सिर्फ इस हवाले से कि वो लोगों में खाना तकसीम करती हैं। लेकिन आज मैं आपको बताती चलूँ कि वो सिर्फ खाना नहीं तकसीम करती हैं, इसके अलावा भी जो बहुत सारी खिदमात हैं वो इंसानियत को दे रही हैं। आज हम उनसे पूछते हैं कि वो क्या क्या खिदमात हैं जो वो सर अंजाम दे रही हैं, और आज उनसे वो बातें पूछते हैं जो आज तक उन्होंने किसी को नहीं बताई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खुश क्लास। अच्छा मैम, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप इतनी बिजी थीं लेकिन फिर भी आपने हमें टाइम दिया। दूसरी मैं ये बात करना शुरू चाहूँगी कि शुरू यहाँ से करते हैं कि आपने किस तरह, आपको ख्याल आया कि ये जो खिदमत खलक है, ये जो इंसानियत की जो खिदमत है, ये मेरे मतलब अल्लाह ने मुझे ही ये फरीज़ा दिया है और ये बहुत ज़रूरी है। क्या एज थी, कब सोचा, कब कहाँ से स्टार्ट किया, किस तरह ले कर चली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे, गरीबी और अमीरी तो आपको पता है शुरू से चल रहा है जी, और मेरी अम्मी जो थी वो बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करती थी, तो मैंने अपने बचपन में तो हमें मतलब पता था कि ये किस तरह इनके साथ रहना है, कैसे ख्याल रखना है, वो तो कॉन्सेप्ट क्लियर था जी। लेकिन फिर ज़्यादा एज का तकाजा, चीज़ें ऐसी होती हैं, आदमी दुनिया में थोड़ा सा दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मेरी जॉब की वजह से मुझे मुजफ्फरगढ़ आई, और वहाँ फिर दोबारा वो सब कुछ अल्लाह ताला का प्लान था, वो मुझे सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा, बस वो फिर मेरा एक सबब बना। आपने मैडम क्या देखा, आप मुजफ्फरगढ़ में आ पाई और आपने वहाँ पर क्या देखा जिसने आपको इस चीज़ पर इंसिस्ट किया कि इन लोगों की मदद की जाए? मैंने मुझे इतना ही था कि मैं इनको पढ़ाऊँ ना। अच्छा। थोड़ी सी पढ़ी भी थी और एक कंपनी मसरूफियत, और मुझे यही आइडिया एक जहन में आया कि मैं इन लोगों को पढ़ाऊँ, बच्चों को पढ़ने के लिए। जब बच्चे आए तो पता चला कोई बच्चा पीले रंग का है, कोई बच्चा टीबी का मरीज है, कोई खांस रहा है, किसी को नज़र नहीं आ रहा है, किसी की इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी है उसके अंदर फूड की, तो ये सब चीज़ें ऐसी होती ना कि मैं खुद परेशान हो जाती थी कि मैं कैसे पढ़ूँ इनको, मैं कैसे पढ़ाऊँ। तो फिर ये थोड़ा सा समझ आया, जितनी आपको एज होती है उतना ही आदमी सोचता भी है, ये समझ आया कि पहले मैं इनको थोड़ा खाना खिलाऊँ, इनको नहलाऊँ धुलाऊँ, और लिटरेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने हाथों से, क्योंकि उनके ना माँ बाप के पास अवेयरनेस थी ना उनके हालात थे, वो तो बेचारे खुद इन हालात में पड़े हुए थे, वो अपने बच्चों को उनके यहाँ, तो बच्चा मेरे ख्याल से गाय भैंस का बच्चा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो दूध देता है, वो कुछ पैसे दे देगा, वो अपने बच्चों को तो इतना भी नहीं देखते। एक बच्चा जब खाना भूखा बीमार, बुखार, खांसी, हेपेटाइटिस पी लिया हुआ होगा, वो कैसे पढ़ेगा? पहले उनके प्रॉब्लम छोटे छोटे, मेरी कुछ जान पहचान भी थी, पढ़ी लिखी भी थी,
वो छोटे छोटे प्रॉब्लम उनके सॉल्व करने शुरू किए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पढ़ाई का सफ़र शुरू हुआ, बस वहाँ से फिर वो थोड़ा खाना, ज़्यादा खाना और ज़्यादा खाना, क्योंकि मेरा बेचारा मुल्क तो शुरू दिन से इन मसाइल का शिकार है। और मैंने कभी ये नहीं सोचा, ना हुकूमतों से, ना किसी से भी नहीं, ना रिश्तेदार, ना बच्चे, ना किसी से, मुझे सिर्फ और सिर्फ हमेशा ये सोच रही कि मैं अपने हिस्से का, मैं क्या अपने मुल्क को, अपने लोगों को मैं क्या दे सकती हूँ, वो बस मैं हर वक्त मेरी सोच रहती है कि मैं क्या दे सकती हूँ। और मैं कितने साल पहले ये सफ़र का आगाज़ किया? ये तकरीबन 35 ईयर्स तो मेरे रेगुलर हो गए हैं। 35 साल से आप जो है डेली बेसिस पे? 35 साल से, हाँ, पहले कम था। अच्छा, फिर ज़्यादा, आहिस्ता आहिस्ता आज अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना में एकदम से हमने जंप मारी तो 2000-3000 तक खाना रोज़ाना। मतलब आप कोरोना में डेली बेसिस पे 3000-4000 तक लोगों को खाना पहुँचा रही हैं? क्योंकि कोरोना में तो बहुत मेजर मसला फूड का था, हमने सारी एक्टिविटीज़ बंद थी, सारी थी, मेजर मसला यही था कि लोगों को खाना मिलना चाहिए। और मेरी कोशिश ये थी कि बहुत ज़्यादा ना सही, कम अज़ कम मेरी इन्वायरमेंट में, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ना 40 घर दाएं 40 बाएं, मेरी यही सोच थी कि मेरी एनवायरनमेंट के अंदर कोई भूखा ना हो, कोई प्रॉब्लम का शिकार ना हो। अच्छा। तो हमने खाने पे बहुत फोकस किया कि बहुत इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, थोड़ा सा मुझे फूड में होने की वजह से थोड़ा सा पता था न्यूट्रिशन वैल्यूज़ का कि क्या डालना चाहिए, बहुत लेमन, ग्रीन चिल्ली, अदरक, आज भी हमारा फूड खाना नहीं होता। लोगों को मैं सिर्फ एक पैगाम देना चाहती हूँ, मेरा खाना नहीं होता, खाना तो बहुत आसान है, जगह जगह देगे बन रही हैं गंदी, बगैर धुली खाने, जाली मसाले, गंदे ऑयल, गंदे हाथ, ये तो बहुत आसान है कि मैं 4-5 हज़ार की एक देग लूँ, तकसीम कर दूँ। मैं तो एक मिशन पे काम कर रही हूँ कि मतलब माहौल से बीमारियाँ ख़त्म हों, लोगों में शऊर पैदा हो, एहसास पैदा हो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के बारे में सोचें। उनकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो बच्चों को स्कूल भी भेजेंगे, घर का लड़ाई झगड़ा भी बंद होगा, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के बारे में सोचेंगे। मेरी तो ये सोच थी कि सोशल इश्यूज़ मेरे ख़त्म हों मेरे मुल्क से, मेरे मोहल्ले से, बच्चे पढ़ें, बच्चे तालीम की तरफ आएँ, हेल्दी फूड होगा वो ऑटोमेटिकली वो उनकी सोच पॉजिटिव होगी। अच्छा मैडम, अभी आपने बताया कि खाना ही अगर बांटना मेरा मकसद होता तो बड़ा आसान था, मैं देगे मंगवाती दो और वो बांट देती। लेकिन जो मैंने यहाँ पर देखा है, यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी फूड जो कि मेरे ख्याल में 5-star होटल्स में भी शायद ना देता जाए, वो घरों में जो माँ है ना वो भी इतनी मेहनत नहीं करती होगी। कौन, ये देखिए सॉल्ट है, ये देखिए नाज़रीन, ये सॉल्ट है और वो जो सॉल्ट है वो खुद पीसती है, पिंक सॉल्ट है, पिंक ढूंढ के लाती हूँ, देखिए सारा पिंक सॉल्ट है, ये देखें, ये पिंक सॉल्ट है और बाकी मसाला जात भी आप इसी का, बीपी लो करता है और ना बीपी हाई करता है। मुझे अच्छा। पता ही तो अपने बीपी नहीं चेक करवाएंगे, मुझे हाँ। पता ही ये शुगर नहीं चेक करवाएंगे। मैं अपने खाने में उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखती हूँ कि जो इनको प्रॉब्लम्स हैं उनको मैंने सॉल्व करना है। और उनको स्पेशल ये भी आने वालों को है कि अगर कोई और ऐसी डिजीज है तो मुझे बता दें, उनको मैं वैसा बना के दूँ। मतलब आपने उनकी पसंद का, उनके मुताबिक, उनकी हाँ। जरूरत के मुताबिक खाना बना के देते हैं। घरों से रह के आप खुद भी सोचें, अगर हम हर चीज़ को अपने ऊपर रखकर सोचें ना, मेरा बेटा कहीं गया हुआ है तो वो किस तरह से माँ के खाने को, घर के खाने को कैसे याद करते हैं बच्चे। मेरी एक कोशिश है, मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन थोड़ी कोशिश ये कि इनके दिलों में तो पूरी जिंदगी छोटी छोटी जॉबों पे गुजर, बिल्कुल छोटे छोटे करेले बहुत पसंद करते हैं, पाए बहुत पसंद करते हैं, गोश्त बहुत सबको पसंद है, इनको भी पसंद है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बहुत ना सही थोड़ा सा इनके चेहरों पे खुशी देखना चाहती हूँ। एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि इनके स्कूल में जो बच्चे हैं वो उन्हें खाना तो देती हैं लेकिन इन्हें वो खाना देती हैं जो उन्हें पसंद होता है। मेरे सामने उन्होंने पैकिंग की है, जिसे पिज़्ज़ा जिस बच्चे ने डिमांड किया उसके लिए बेस्ट जो पिज़्ज़ा है लाहौर का वो गया है, अगर किसी ने सैंडविच की डिमांड की है बेस्ट सैंडविच गया है, और अगर किसी ने कोई कैंडी मांगी है तो इसके लिए बेस्ट चीज़ें आप देती हैं। ये कैसे मैनेज कर लेती हैं? बस इस लोग शामिल होते गए, कारवां बनता गया, क्योंकि सबको अपनी आँखों से देखते हैं। बहुत सारे अल्लाह का शुक्र है हमारे मुल्क में बहुत दर्दमंद दिल, और मेरी वैसे ज़्यादा। अच्छा मैडम, अक्सर ये ख्याल किया जाता है कि आप लोगों की खिदमत कर रही हैं, क्या आप बहुत लैंडलॉर्ड हैं, क्या आपके पास बहुत पैसा था, और या आपको मतलब आपके पास गायब से पैसा आ गया, कहाँ से आपने ये फिर स्टार्ट किया? क्योंकि लोगों के क्वेश्चन आता है कि कहाँ से इसके पास इतना पैसा आ गया। तो आप मैं तमाम लोगों को, मैं तो गुजरे, मेरे हस्बैंड तो एक मुलाजिम थे, अच्छा, टेक्सटाइल इंजीनियर थे, अच्छा, और ना मैं कोई, हम अपने घरों से कुछ लेकर आई थी, ना हस्बैंड का कुछ था,
लेकिन अल्लाह ताला ने एक एहसास, दर्दमंद दिल, इखलास और सच्ची अपनी मोहब्बत दी थी। वो छोटा छोटा, मैं ये तो नहीं कि मैं 35 साल पहले भी इतना बनाती थी, थोड़ा सा काम। आप किसी नर्सरी के बच्चे से, किसी डॉक्टर से आप ये पूछें कि आप मेडिकल, आप प्रोफेसर कैसे बने, तो वो यही जवाब देगा कि मैंने नर्सरी से दाखिला लिया था। ये मेरी नर्सरी 35 साल का मेरा सफ़र है। थोड़ा सा बनता था, फिर थोड़ा सा, फिर बहन भाइयों ने देखा वो शामिल हो गए, फिर अड़ोस पड़ोस ने देखा वो शामिल हो गए, और अभी भी कोई मेरे ये थोड़ी है। मैं तो अपने बहुत महदूद वसाइल में काम कर रही हूँ। मेरे घर का गैस का चूल्हा है, मेरे घर के दो, कोई लग्जरी आपको नज़र नहीं आएगी, कोई यहाँ कुछ नहीं। ये एक दो, अब मेरी टीम, अब 4-5 लोग हैं, वरना मैं अकेले खुद करती थी, हस्बैंड करते थे, बच्चे करते थे। कोई हमारा इसमें ना पैसा है, ना कोई बहुत लग रहा है कि हाँ, लेकिन जो घर का खाना था वो थोड़ा 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 बढ़ते बढ़ते आज 35 साल में, लोग तो एक दिन में पता नहीं कहाँ पहुँच जाती हैं। 35 साल में भी मैं यहाँ हूँ, यहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि पूरी तरह मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरा दिल मुतमईन है, मेरा ज़मीर इत्मीनान में है। मैं रात को बहुत खूबसूरत नींद सोती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने सारा दिन अपना कैसे गुजारा है। अच्छा मैडम, जब इतने आपने 35 साल की आपकी लड़ी से लड़ी मिली, एक कारवां बनता गया, आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अब दूसरों से मदद लूँ, मतलब मैं कोई ऐसा डोनेशन बॉक्स लगा दूँ, ये लोग मुझे दें कि सदका अपना दें, या अप तशहीर करूँ अपने काम की कि अब मैं लोगों की मदद कर रही हूँ तो मेरी मदद की जाए, या मुझे फंडिंग की जाए? कभी जहन में ये ख्याल नहीं आया, अकेले ही आप चलती रही? बेटे बस एक मिजाज होता है ना, और अल्लाह ताला मुझे मांगना और लेना बहुत सख्त, बहुत ही बहुत मेरे लिए मुश्किल है, बुरा लगता है। अच्छा, बस जो है, बहुत मुझे तो हमेशा ऐसा लगा मुझे परवरदिगार ने, आपने कभी डोनेशन बॉक्स नहीं लगाए कहीं ना से? मांगना मैंने कभी लोगों के सामने, अब तो आप लोग ये कर रहे हैं ना, इन 35 सालों में बाखुदा मुझे ख्वाहिश भी नहीं हुई कि मेरा किसी को पता चले। लेकिन अब मेरा बेटा रिस्क के हवाले से काम कर रहा है, रिस्क एंटरप्राइज उसके हो गए, उसके अलावा से लोगों को पता चला, वो इंटरव्यू में अपने कहता है मेरी मॉम से मैंने इंस्पायर्ड होके ये काम शुरू किया, तो वो लोग मेरे पास आने लगे, पता चला है, वरना ना ख्याल आया और ना मैं चाहती हूँ। जी नाजिन, उन्होंने ये अपने घर के बाहर एक प्लांट भी लगा हुआ है, ताकि ना सिर्फ जो है ज़रूरतमंदों को खाना मिल सके, बल्कि साफ पानी, जो कि एक बेसिक नीड है हर इंसान की, वो भी पूरी हो सके, और हर इंसान जो है, हर ज़रूरतमंद जो है वो साफ पानी पी सके। तो ये आप प्लांट देख रहे हैं, और यहाँ पे नलके लगे हैं, जो भी आ सकता है और जो है वो प्लांट से पानी भर सकता है और वो पानी पी सकता है। हमारे पास ना पैसे हैं, ना कुछ देते हैं, ये साफ गिलास हैं। अच्छा, इसमें से ये पानी पीते हैं और ये पीने के बाद इधर डाल देते हैं, फिर मैं वॉश करके फिर इधर आ जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, देखिए तो नहीं गंदा पानी है, लोगों को बीमारियाँ फैलें। सही, मतलब जिसने पानी इस्तेमाल किया है वो पानी पिएगा और बाद में गिलास इधर रख देगा, और वो फिर आप धो के ऊपर रख देंगी। ऊँटों का, गधे, क्योंकि आते हैं वही लोग, आते हैं बंदर वाले, बंदर सेब केले फ्रूट उनका यहाँ रखा हुआ है। आइए अब हम मैडम के स्कूल चलते हैं और बच्चों से मिलते हैं और उन्हें टिफिन जो है वो तकसीम करते हैं। ये देखें जी जनाब, अब इनके पसंद के जो हैं इनके बिस्किट तकसीम किए जा रहे हैं, और इनके पसंद के खाने जो है अब इन्हें तकसीम किए जा रहे हैं, और बड़े प्यार से और बड़ी इज्जत और एहतराम से उन्हें जो है वो खाना दिया जा रहा है। जी जनाब, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पिज़्ज़ा भी पड़ा है, बर्गर भी है, सैंडविच भी है, तो जो जो जिस जिस बच्चे को जो जो डिमांड होगी वो पहले पूछ ली जाती है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर उन्हें खाना दिया जाता है। खाना तो बहुत से लोग देते ही होंगे, ज़रूरतमंदों को देते हैं, लेकिन ऐसा खाना जो उनकी पसंद का हो और जो बच्चे ने डिमांड करके लिया हो, वो खाने में क्या ही बात है। फिर अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसके अलावा कौन सी सर्विसेज जो हैं वो स्कूल में दी जा रही हैं और कौन से काम जो हैं वो स्कूल में किए जा रहे हैं। जी जनाब, ये बुक्स हैं, बुक्स क्योंकि 9th का बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, तो उनके लिए हमने नोट्स मंगवाए हैं। अच्छा। ताकि बच्चों की लर्निंग अच्छी हो। आप यहाँ पर क्या करती हैं? मैं एज़ प्रिंसिपल काम कर रही हूँ। अच्छा, प्रिंसिपल काम कर रही हैं, तो मुझे बताएं कि आप खाने के अलावा बच्चों को मुफ्त तालीम के अलावा कौन कौन सी जो प्रोवाइड करती हैं सर? हम बच्चों को खाने और मुफ्त तालीम के अलावा बच्चों के स्किल्स पे काम करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को,
उसके अलावा मंथली हम कई बच्चों का राशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं बच्चों के घरों में। जी मंथली राशन और ये बुक्स जो है वो भी फ्री आप? जी बिल्कुल ये फ्री है। इसके अलावा मतलब कुछ स्टिचिंग मशीन्स हैं हमारे पास वो भी मतलब इनकी कोई मदर कोई इनकी सिस्टर इस तरह का कोई काम अगर घर में शुरू करना चाहें तो वो भी उनको देंगे ताकि वो खुद सर्वाइव कर सकें और मतलब वो इंडिपेंडेंट हो किसी को उन पर किसी पर डिपेंड ना करना पड़े। स्टडी भी करते हैं और साथ साथ पढ़ाते हैं या क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे भी टाइम दे रहा हूँ। तो मैनेज कर लेते हैं? हो जाता है, मेरी बेसिकली इवनिंग क्लासेस हैं तो मैं मॉर्निंग में यहाँ मैनेज कर रहा हूँ। अच्छा आप पहले मॉर्निंग में पढ़ाते हैं, मतलब ये सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि टीचर भी बहुत ज़्यादा खिदमत खलक के जज्बे से सर शार हैं, तो कैसा लगता है आपको पढ़ाते? देखें सुकून सिर्फ इसी काम में कि आपकी ज़ात किसी और इंसान के काम आ जाए। और देखिए अजर हम बींग अ मुस्लिम हमारे लिए सबसे बड़ा अजर ही यही है कि ये जो सदक़े जारी है ये हमारे कब्र में जाने के बाद भी हमारे साथ ही रहता है। ठीक है, तो वो मोटिवेशन आपको ना इन्हीं बच्चों से मिलती है, मतलब ये बच्चे आपकी एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन। जी यही बच्चे हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। ठीक है, इनका शौक, अब ये बच्चे देखें अगर इन्हें रिसोर्सेज इनके पास नहीं है लेकिन इनका पढ़ने का शौक है और वही शौक जब हमें नज़र आता है ना पढ़ाने में, जब मैं बींग अ टीचर यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं जब इनका इंटरेस्ट देख रहा होता हूँ तो वही मेरे लिए मोटिवेशन है कि मैं इनके लिए कुछ कर जाऊँ क्योंकि ये बनना चाहते हैं कुछ ना कुछ। अगर मेरी ज़ात से इन्हें कोई फ़ायदा मिलता है तो मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या है। अब हमारे साथ जो है स्कूल की बड़ी प्यारी प्यारी सी टीचर्स मौजूद हैं, रॉय उनसे बात करते हैं कि कितनी देर से वो मैडम के साथ काम कर रही हैं और उन्हें कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरवा आबिद है। फरवा, कब से स्टार्ट किया आपने और क्या सोच आई कि बच्चों को अब पढ़ाया जाए और ये काम भी करना चाहिए? एक्चुअली मेरी मदर आंटी के साथ मिशन में साथ थी। अच्छा, अच्छा। मैंने अपनी मैट्रिकुलेशन के बाद ही स्कूल में जॉब शुरू कर दी थी। अच्छा, अभी आप पढ़ रही हैं? एक्चुअली आई एम डूइंग डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन साइंसेज फ्रॉम UMT। अच्छा। सो मुझे ये चीज़ मैं तो पैशन फील करती हूँ, यहाँ पे बहुत लर्निंग एनवायरनमेंट है। कितनी देर आपकी आपका क्या नाम है? बेसिकली माय नेम इज मोमिना आबिद एंड आई एम डूइंग डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। सो इट्स माय 8th ईयर बीइंग इन द स्कूल। ओके। सो बेसिकली फर्स्ट मेरी मामा आंटी के साथ वर्क कर रही थी, उसके बाद मैं और मेरी सिस्टर, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑलमोस्ट 7 to 8 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। और इस एनवायरनमेंट पे रह के एज अ स्टूडेंट मैंने बहुत लर्न किया है, एज अ मतलब गाइडर, एज अ हेल्पर। मुझे लर्निंग एनवायरनमेंट में वर्क करने का एक अप्रिसिएशन और एक इस मोटिवेशन के साथ कि वी आर डूइंग समथिंग, वी आर गेटिंग समथिंग, वी आर हैविंग टू यू नो टू स्प्रेड नॉलेज, सो दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफ्सा है, मैं कुरान की टीचर हूँ। अच्छा, कुरान पाक। जी जी, कुरान पाक पढ़ाती हूँ। मुझे जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे मतलब सबसे ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं इन बच्चों को कुरान पाक की तालीम दे सकती हूँ। जब मैं आई थी तो मैं मतलब जॉब के लिए आई थी। अच्छा। तो मेरा घर ना बहुत दूर है यहाँ से। अच्छा। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई और मैंने इन बच्चों को देखा तो मेरे अंदर ये शौक पैदा हुआ, नहीं मैंने इन बच्चों को ही पढ़ाना है, इनके लिए मतलब मैं दूर से आऊँगी लेकिन इनके लिए आऊँगी। मैंने ये सुना है कि आप जो है बच्चों के साथ मिलकर सफाई भी करती हैं और उन्हें स्किल्स भी सिखाती हैं, तो आप मुझे बताएं कि पढ़ाई के अलावा आप इन्हें कौन से स्किल्स सिखाती हैं और किस तरह ये बच्चे फिर आपकी हेल्प करते हैं? एक तो मेरा ये है कि मुझे पता है कि इनके पेरेंट्स बेचारे ऐसे हालात हैं कि शायद ये अपनी तालीम को कंटिन्यू नहीं रख सकेंगे, उनके ऊपर इतना प्रेशर है ना सोशल, मतलब घर के इकोनॉमिकल जो हालात हैं उनके, मुझे वाकई मुझे रोना आता है जब मैं सोचती हूँ कि बच्चे शायद आगे ना पढ़ सकें क्योंकि उनको अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ करना है लाजमी, उनको क्या करेंगे इतने से तनख्वाह। तो उसके लिए बच्चे और हम सब लोग ये सोचते हैं कि यहाँ से निकले ना तो इनके पास कोई बेहतर ज़िंदगी के लिए ना थोड़ा सा कंप्यूटर की कुछ क्लासेस, कहीं मैंने इनको लैंग्वेज जैसे चाइनीज़, इंग्लिश इनकी इतनी अच्छी हो कि इनको छोटी मोटी जॉब्स लैंग्वेज के ज़रिए, कहीं कुछ छोटे मोटे हुनर इसी में लगी हूँ कि मैट्रिक पे अभी इतना इनका प्रेशर डालूँगी तो कहीं ये अपनी मैट्रिक भी खो दें। तो बच्चे मेरे अपनी फैमिली के साथ मेरा डिस्कस करती हूँ तो कहते हैं मम्मी इनको ज़रा मैट्रिक सुकून से करने दें, फिर ये सारी जो है हुनर वगैरह, इसीलिए सिलाई भी शुरू की थी लड़कियों के लिए, थोड़ी सी कुकिंग क्लासेस मैं करवाती हूँ, थोड़ा सा इनको सिलाई का सिखाती है, हुनर इनके पास हो क्योंकि इन्हें इन्हीं घरों में वापस जाना है और इन्हीं घरों में रहना है। मैंने इनको हर उस चीज़ से रोका हुआ है कि ये कल अपने माँ बाप ही के ना रहे तो क्या हुआ, इनकी कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन झूठ बोलने पर 1000। अच्छा। बदयानते पे 1000, चाहे कहीं से मेहनत करके लेकर आए इस पर नो कम्प्रोमाइज, चोरी पर 1000,
तो अब मैंने देखा माशाल्लाह ये ख़त्म ही हो गया, मुझे कोई कंप्लेन नहीं आती, कंप्लेन नहीं आती। मतलब आपने वैसे तो फीस नहीं है लेकिन वैल्यूज पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, अगर झूठ बोलता है बदयानती करता है तो वो जुर्माना उसे पे करना पड़ेगा 1000 ताकि वो बच्चा सीखे शुरू से। मैडम की जो खिदमात हैं उन्होंने ये क्वेश्चन हम सबके लिए छोड़ दिया है कि हम जो है ज़रूरतमंदों की, हम ज़रूरतमंदों की सॉरी, या हम जो है पाकिस्तान की, या हम अपने मुल्क और कौम की क्या कर रहे हैं, क्या खिदमत कर रहे हैं, हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं क्या वो खा के सोते हैं या नहीं, हम किसकी कितनी जो है हमारे दिल में कितना एहसास है, कितना दर्द है लोगों के लिए। तो ये मैं आप सबको क्वेश्चन छोड़ती हूँ और आप सब बताएंगे कि आपके दिल में कितना दर्द है, कितना एहसास है, और जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं ज़रूरतमंदों का ख्याल रखें, उन पर नज़र रखें और उनके सर पर अपना साया शफ़क़त रखें। इसके साथ ही साथ मुझे जो है अपनी इम्पावर्ड खातून के साथ इजाज़त दीजिए। आप जो है मैडम बहुत शुक्रिया, मैं फिर आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। सेफ रहें, सेफ सिटी के साथ, अल्लाह हाफिज़।